नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनू। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुंडा राज तो कायम ही है। गुंडा राज के साथ साथ भू माफियाओं का गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा भी भली भांति तरीके से फल फूल रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम कुष्टा पटवारी हल्का कुष्टा थाना रायपुर करचुलियान से सामने आया है, जहां पीड़ित शिवम पांडे पिता स्वर्गीय बुद्धसेन पांडे निवासी ग्राम कुष्टा पटवारी हल्का कुष्टा थाना रायपुर करचुलियान के हैं। पीड़ित के पिता और दो चाचा और दादी के मध्य 26 मई 1997 को गांव के बड़े आदमियों के समक्ष हिस्सा बांट हुआ था। उसी के आधार पर सभी लोग वर्तमान में ग्राम कुष्टा और चोरगड़ी में समस्त पाटीदार बराबर बराबर के रकबे में काबिज हैं। वर्ष 2003-04 में ग्राम कुष्टा के सरपंच द्वारा सभी के हिस्सों के मध्य जो भी बंटवारा पुल्ली आपस में सहमति से तैयार की गई थी, गांव के बड़े आदमियों के हस्ताक्षर व हल्का पटवारी के हस्ताक्षर कराकर सरपंच के द्वारा आपसी सहमति का बंटवारा नामांतरण कर दिया गया था। किंतु ग्राम चोरगढ़ी नंबर 1 पटवारी हल्का चोरगढ़ी की आराजी नंबर 1679, 1680, 1681 और 1700 का नामांतरण बंटवारा किया गया था, किंतु राजस्व अमले के द्वारा संबंधित रकबों का नामांतरण बंटवारा खसरे में दर्ज ही नहीं किया गया था। पीड़ित के पिता, जो कि लोक निर्माण विभाग देवसर जिला सीधी में सहायक ग्रेड 3 पद पर पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु के बाद पीड़ित के चाचा मोहन लाल पांडे पिता स्वर्गीय शिव सहाय पांडे के द्वारा कूट रचित तरीके से हल्का पटवारी की साठ गांठ से ग्राम चोरगढ़ी 1 के रकबे का नामांतरण बंटवारा नहीं किया गया था। पीड़ित के चाचा द्वारा जबरन चोरगढ़ी की आराजी नंबर पर पिता की मृत्यु होने के बाद साठ गांठ करके सहखाते के रूप में इन आराजी नंबर पर भू स्वामी बन गए और ई रजिस्ट्री करवा ली। पीड़ित के चाचा मोहन लाल पांडे के द्वारा शिवानंद पटेल पिता प्रभुनाथ पटेल निवासी रतहरा तहसील हुजूर को बेच दी गई है। शिवानंद पटेल एक प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर दलाल है, जिनके द्वारा पिछले कई बार ऐसे अवैध काम किए जा चुके हैं। इनके द्वारा एक जमीन की कई बार रजिस्ट्री करवा दी जाती है। पीड़ित का आरोप है कि मोहनलाल पांडे पेशे से किसान है और दलाली का काम और शराबखोरी भी करते हैं। पीड़ित का कहना है कि ग्राम चोरगढ़ी की आराजी नंबरों पर मोहनलाल पांडे पिता स्वर्गीय शिव सहाय पांडे का किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। उनके द्वारा गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा दी गई थी। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर पीड़ित का क्या कहना है। का गलत तरीके से कुछ बेचने का मामला आया है जी सर, अभी क्या प्रक्रिया है उसमें और आप क्या चाहते हैं, किस तरह से साजिश रच के किया गया, पूरी घटना बताइए। सर, उसमें ये प्रक्रिया ये है कि हमें नायब मैडम के यहाँ से उसका नामांतरण तो उन्होंने करा लिया है, लेकिन उसकी फीडिंग नहीं, नायब मैडम के यहाँ से हमें स्थगन आदेश मिल गया है और SDM सर के यहाँ से। सर, इसमें क्या हुआ था कि वर्ष 1997 26/5/1997 में ये हम लोग का आपसी बंटवारा हुआ। आपसी बंटवारे में ये हुआ कि मतलब खेतों के नाम के हिसाब से, सभी खेतों के नाम के हिसाब से कि ये जो खेत है ये तुम लोगे, ये खेत है बड़े पापा लेंगे, चाचा लेंगे, दादी लेंगी, पुल्ली फाट बन गया जी, पुल्ली फाट बन गया था। इसके बाद फिर ये तो हुआ खेतों का बंटवारा, इसमें हम लोग काबिज हो गए तो 1997 से ही। उसके बाद 2003-04 में पटवारी कमलेश पटवारी जी द्वारा पुल्ली बनाई गई, उसमें जिस हिसाब से हमें खेत मिले थे वो जमीन जिस नाम से, उसी नाम से हमें नंबर ही दे दिए गए। तो क्या हुआ, बड़े पापा जी सदाशिव लाल थे, उन्हें कुष्टा में ज़मीन पूरी मिल गई, और चाचा जी थे मोहन लाल पांडे जी, उन्हें भी पूरी ज़मीन कुष्टा मिल गई, दादी जी चंद्रवती देवी जी थी, उन्हें भी कुष्टा में पूरी ज़मीन मिल गई। हमें क्या था कि हमें कुछ रकबा कुष्टा में कम मिला था, मेरे पिताजी का नाम बुद्धसेन पांडे है और हमें कुछ रकबा कम मिला था, इस कारण उसके एवज में 63 डिसमिल ज़मीन हमें चोरगढ़ी मिल गई। उसका उस समय 2003-04 में हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हमारे पिताजी PWD में देवसर में नौकरी करते थे सरकारी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हो गया कुष्टा का पूरा नामांतरण हो गया, ये आपकी कॉपी बन गई, ऋण पुस्तिका बन गई, और चोरगढ़ी का किसी अमले, इसके क्या कहते हैं, ये तहसील अमले की वजह से ये छूट गया। उस कारण से ये पहले जब था तो दादी का हिस्सा उसमें दर्ज था और चाचा जी का हिस्सा दर्ज था और पापा जी का हिस्सा दर्ज था, और जब हमारे नाम ये हुई तो इसमें इन दोनों का हिस्सा निकल जाना चाहिए, बस हमारा हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन नंबर हमें सभी मिले थे कुष्टा के चुरगड़ी के। उसके बाद फिर ये दर्ज रहा आया,
उसके बाद जब अभी पिताजी की हमारे 2019 में मृत्यु हुई, उसके बाद हमने वायुसेना कराया, उसमें जब हमने वायुसेना कराया तो उसमें देखा इनका चाचा जी का नाम दर्ज है। तो हम लोग ने सोचा कि भाई जब इतने दिन से कब्जा हमारा है, पुल्ली में हमारी ज़मीन है, दस्तखत सभी चाचा जी बड़े पापा के लगे हैं, तो इसमें क्यों है। हम लोगों ने बोला उन्हें एक आध बार कि आप चल के गवाह दे दीजिए, बयान दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज करेंगे कल करेंगे। इसके बाद वो षड्यंत्रकारी तरीके से हमें हम लोग को पता नहीं चला, वो शिवानंद पटेल पिता उनके प्रभुनाथ पटेल जो तहरा के निवासी हैं उन्हें बेच दिया 14/6/2022 को उसकी रजिस्ट्री हुई और इसका नामांतरण 21/7/2022 को उन्होंने करा दिया।